हेलो व्यूअर्स, दिस इज आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न द रूल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन में है तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा और क्या हेडक्वार्टर में परिवर्तन किया जा सकता है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि कोई एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है तो इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, इस बारे में दिशा निर्देश ये कहते हैं कि सस्पेंशन से इमीडिएट, यानी सस्पेंशन होने से जस्ट पूर्व वो जिस जगह पर कार्य कर रहे थे या कार्यरत थे, वही उनका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब बात आती है कि क्या हेडक्वार्टर चेंज हो सकता है। यदि कोई एम्प्लॉई ऐसी रिक्वेस्ट करता है, नॉर्मली ये नहीं किया जाता, लेकिन यदि वो ऐसी रिक्वेस्ट करता है कि किसी स्पेशल कारण से जाना है उसे कहीं, और ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की इलनेस या कोई परेशानी या फोर सर्कमस्टांसेस, उसकी लाइफ की कोई ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो ऐसे केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हेडक्वार्टर चेंज करने की परमिशन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, इसमें एक शर्त है कि उसके हेडक्वार्टर चेंज होने से कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस या इस तरह का कोई बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं आना चाहिए, यानी किसी तरह का अलाउंसेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात से भी सेटिस्फाई होने चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि उनका ऐसे बाहर जाने से या हेडक्वार्टर चेंज की अगर परमिशन दी जाती है तो क्या उनके किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में कोई परेशानी या विलंब तो नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी। यदि इस बात से वो पूर्ण से सेटिस्फाई है पूरी तरह, तो उनका हेडक्वार्टर चेंज करने की परमिशन सस्पेंशन वाले एम्प्लॉय को दी जा सकती है। और एक बात आती है, सस्पेंशन तभी भी होता है जब डिटेंशन हो जाता है। तो डिटेंशन अगर हुआ है और कोई व्यक्ति अगर बेल पर है, तो दूसरा सवाल यहाँ आता है कि अगर बेल पर वो छूट करके आए हैं और फिर सस्पेंशन का हेडक्वार्टर क्या होगा, यानी कहीं डिटेन हो गए थे फिर बेल पर हैं वो, तो अगर बेल हो गई है तो बेल के केस में हेडक्वार्टर वो होगा जो कि कोर्ट जैसा इम्पोजिशन लगाती है, यानी कोर्ट का जो हेडक्वार्टर होगा सब्जेक्ट टू इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शन बाई द कोर्ट, तो वो कोर्ट के आधार पर होगा। तो ये सस्पेंशन के बारे में हेडक्वार्टर की कंडीशन होती है। एक सवाल और थोड़ा सा आज हम जान लेते हैं, इसमें ज्यादा वीडियो क्योंकि लंबा नहीं है, छोटा सा है। एक बात आती है कि क्या कोई सस्पेंशन वाले एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय हु इज अंडर सस्पेंशन, कैन बी ग्रांटेड लीव। तो इसका आंसर ये रहता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड एम्प्लॉय कैन नॉट बी ग्रांटेड एनी काइंड ऑफ लीव, क्योंकि बेसिकली लॉजिक ये आता है और FR 55 में ऐसा उल्लेख है कि लीव इसको नहीं दी जा सकती है, फंडामेंटल रूल 55 में आता है ये। अब बात ये आती है कि लीव क्यों नहीं देंगे, तो लीव इसलिए नहीं देंगे, जो इसका लॉजिक है या स्पिरिट है जो मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ आपको, लीव इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये एम्प्लॉय ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी पे नहीं आ रहे और वो सब्सिस्टेंस अलाउंस उनको दिया जा रहा है, यानी कोई इनको ड्यूटी की पे नहीं मिल रही है। तो क्योंकि ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं तो लीव क्या होती है, ड्यूटी से ब्रेक लेने का तरीका है, और क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो नेचुरली किसी तरह की लीव नहीं दी जा सकती। तो सस्पेंशन पीरियड एक सस्पेंशन पीरियड होगा, और बाद में जो भी आउटकम आता है, यानी कोई भी, या तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, किसी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ट्रायल या किसी केस का मामला जो भी है उसका जो फाइनल डिसीजन आएगा, या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स यानी कोई भी इंक्वायरी चल रही है उसका फाइनल जो आउटकम आएगा, उसके आधार पे आपका जो सस्पेंशन पीरियड होगा उसको रेगुलेट किया जाएगा कि सस्पेंशन पीरियड पे एंड अलाउंस फुल दिए जाएंगे, क्या वो अनजस्टिफाइड, अगर वो अनजस्टिफाइड सस्पेंशन था तो वो सर्विस फॉर ऑल पर्पज में कई बार रेगुलेट किया जाता है, और कई बार फिर उस एम्प्लॉय से ड्यू एंड एडमिसिबल लीव से भी उस सस्पेंशन पीरियड को कवर किया जाता है। तो ड्यूरिंग सस्पेंशन जो है वो लीव नहीं दी जा सकती, ये पीरियड बाद में इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं और चैनल का कंटेंट आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि वीडियो में जो जानकारी मिल रही है वो आपको तुरंत पहुंचेगी, और इस तरह के वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है पर्सनल तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, चैट करिए हमारे साथ, कमेंट्स करिए, तो मैं अपने बेस्ट जो भी मेरी कैपेसिटी है, मेरा जो नॉलेज है या मेरा वर्किंग जो भी अनुभव है उसके आधार पे मैं आपके जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।